भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में फहराया गया झंडा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया झंडा। कांग्रेस ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मां सोनिया संग की मस्ती। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय पहुंची सोनिया गांधी। राहुल संग की बातचीत। आज कांग्रेस स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 138 साल का लंबा सफर तय करके कांग्रेस यहां तक पहुंची। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रही। जम्मू कश्मीर के सिद्रा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 आतंकियों को घेर कर किया ढेर। जम्मू के सिद्रा में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छिपे हुए 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया ड्राइवर फरार है, उसकी तलाश जारी। सुबह 7 बजे शुरू हुआ था ऑपरेशन। यूपी के मऊ में घर में आग लगने से बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा। आधी रात को 3.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से सहमा उत्तरकाशी। नेपाल में भी 4.7 और 5.3 की तीव्रता के 2 भूकंप। तनिषा शर्मा की मौत के मामले में शीजान की रिमांड आज हो रही खत्म। वसई कोर्ट में होगी पेशी। तनिषा की मां का स्टेटमेंट भी होगा रिकॉर्ड। आज तनिषा की मां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस। एक और लड़की से शीजान के अफेयर होने का आरोप लगा चुकी है तनिषा की मां। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक को टीम इंडिया की कमान। सूर्य कुमार होंगे उपकप्तान। टीम में रोहित, कोहली, राहुल नहीं। वनडे और T20 से ऋषभ और शिखर बाहर। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 23 जिलों के 68 निकाय में हो रहा मतदान। 30 दिसंबर को आएगा दूसरे चरण के चुनाव का परिणाम। बिहार के भागलपुर में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी डाला वोट। लोगों से भी की बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील। सीएम नीतीश कुमार की बिहार यात्रा की फिर होगी शुरुआत। नए साल में 5 जनवरी से निकलेंगे मुख्यमंत्री। इस बार पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी यात्रा। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की सफाई। बोले भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं। भगवान राम हमारे देश की संस्कृति। मेरिट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद ने आरएसएस पर किया वार। कहा नागपुर से पूछकर नहीं दूंगा बयान। भगवान राम को विवादित ना करें, वो इमाम हिंद। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार करेगी आयोग का गठन। कहा बिना आरक्षण नहीं होगा चुनाव। जरूरत पड़ने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ठहराया दोषी। उज्जैन में आयोजित जल महोत्सव का आज दूसरा दिन। संघ प्रमुख भागवत करेंगे जल स्तंभ का लोकार्पण। शहर में स्थापित होगा देश का पहला जल स्तंभ। आज निवाड़ी के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। गुड़ कंडार महोत्सव में होंगे शामिल। खंगार जयंती पर आयोजित हो रहा है महोत्सव। लोधी समाज के कार्यक्रम में बोली उमा भारती। लोधी समाज बीजेपी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं, अपना हित ध्यान में रखकर ही करें वोट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का आज होंगे रिहा। भ्रष्टाचार मामले में हुई थी जेल। बाहर आने के बाद एनसीपी जेल के बाहर करेगी बाइक रैली। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत पर दागे सवालिया निशान। ट्वीट कर खड़े किए बड़े सवाल। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड ने पकड़ा जोर। मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में 1 से 4 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट। अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा। धर्मशाला और नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली। तापमान 5.6 डिग्री तक दर्ज। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखते। IMD के मुताबिक आज राजधानी में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री।
पंजाब के अमृतसर में ठंड का प्रकोप, पारा गिरने से सिहरने लगे लोग, अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं लोग। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।